Hi, bacha buddy. Can you people see and hear me clearly? Hi, good evening. ओके आई एम ऑडिबल एंड विजिबल राइट. सो मेरा नाम है शुभम पाठक. वेलकम टू माय चैनल जहां पे हम क्लास 9th और 10th की एसएसटी और बायोलॉजी पढ़ते हैं. आज का हमारा चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. आई प्रॉमिस यू इस लेक्चर के बाद आपको किसी और टीचर का कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एमसीक्यूज भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज भी मैं आज की वीडियो में लगवा दूंगी. ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से दिमाग में बैठेगा, पेपर में इसमें से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तुम लिख पाओगे. सो चलो स्टार्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. ये फ्री पीडीएफ जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मिल जाएगी. किसी टेलीग्राम को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. दिस फ्री पीडीएफ इज प्रोवाइडेड जो एनसीईआरटी के बनाए हुए नोट्स हैं, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों को जरूर बताना चैनल के बारे में. आई कुड यूज सम लव. ओके, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. सो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चैप्टर जो है इस बारे में बात करने वाला है कि इंडिया में खाने की सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाती है. पहली बात, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी देश में खाने की सिक्योरिटी जरूरी क्यों है? खाने की सिक्योरिटी दो तीन चीज़ों की वजह से जरूरी है बच्चा. एक तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती किसी भी देश की, यानी कि सारे लोग अमीर नहीं होते. अमीर लोगों को जिस भी प्राइस पे खाना मिलेगा वो लोग अवेल कर लेंगे, लेकिन गरीब लोगों को अगर खाना नहीं मिलेगा, स्पेशली इन अ सिचुएशन जहां पे COVID-19 है, पैंडेमिक है, या फिर यू नो कोई सूखा पड़ा हुआ है, कोई बीमारी फैली हुई है, तो फिर खाने की अवेलेबिलिटी पूरे देश के हिसाब से होनी चाहिए. मतलब बोलते हैं ना, घर में इतना राशन होना चाहिए कि एक्स्ट्रा मेहमान भी आ जाए तो हम उन्हें खिला पाएं. उसी तरीके से घर में, देश में इतना राशन सिक्योर तरीके से पड़ा हुआ होना चाहिए कि अगर देश में कोई विपदा है तो पूरे देश की सिटीजंस को हम खिला सके, उनका पेट पाल सके. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि फूड अवेलेबल होना चाहिए बच्चा, फूड एक्सेसिबल भी होना चाहिए और फूड अफोर्डेबल भी होना चाहिए हर टाइम पे. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर दिन हफ्ते का होता है जब फूड आपके लिए सिक्योर्ड है, बाकी पूरा हफ्ता आपको खाना जो है सिक्योरिटी से मिलता ही नहीं है. नहीं, हमेशा एज अ सिटीजंस ऑफ इंडिया, अगर आपको इंडिया में फूड सिक्योरिटी चाहिए तो आपको ये तीन चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी टू योर पॉपुलेशन ऑल द टाइम. ठीक है, तो आपको पता ही है रोटी कपड़ा मकान, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि कितना एसेंशियल होता है हमारे जीवन के लिए रोटी कपड़ा और मकान, स्पेशली रोटी, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिशन नहीं करेगी, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो जनता जो है बीमार पड़ी रहेगी और फिर वो जो जनता है देश के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी. या बाकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ये सब पढ़ के आ चुके हो, राइट. सो सिर्फ फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि दिन की दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए. फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं ना, जो सबसे गरीब से भी गरीब लोग हैं, उन्हें भी अगर खाने की जरूरत पड़े तो हमारे देश में उनके लिए खाना होना चाहिए. और हम देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर कैसे करते हैं बच्चा? हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, जो इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम और अच्छे से समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, फूड सिक्योरिटी के क्या फैक्टर्स होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योर कौन लोग होते हैं, कौन से सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग होते हैं, फिर हंगर भी पढ़ेंगे हम, दो तरीके का हंगर है हमारे सिलेबस में, फिर हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है. तो चलिए, फूड सिक्योरिटी के तीन पिलर्स हैं. जब आप फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखते हो तो आप उसमें ही लिखते हो दैट फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड. अवेलेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि खाना आपके देश में अवेलेबल होना चाहिए. अगर आप गुजरात के एक छोटे से गांव में रह रहे हो तो आपको खाना वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि राजस्थान के किसी शहर में आपको खाना जाके लाना पड़ेगा. नहीं, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि प्रोडक्शन खाने का इस कदर होना चाहिए कि देश की सारी पॉपुलेशन के लिए खाना अवेलेबल हो और आसपास अवेलेबल हो, मतलब कि उनके इमीडिएट एनवायरमेंट में भी अवेलेबल हो, गवर्नमेंट के पास खाना इतना इंश्योर्ड हो कि अगर इमीडिएट एनवायरमेंट में मार्केट में
खाना नहीं मिल रहा है, मान लो प्लेग हो गया, मान लो कोई बीमारी लग गई, राशन की दुकानें बंद है, तो भी गवर्नमेंट खाना अवेलेबल करवा पाए गरीब से गरीब लोगों के लिए भी और अमीर से अमीर लोगों के लिए भी, ठीक है जी। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आपकी पहुंच में होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप भाई दिन के 200 रुपए कमाते हो और चावल मिल रहा है मतलब 500 रुपए किलो, तो फिर वो आपकी रीच से बाहर है, आप चाहो भी तो भी चावल नहीं कर सकते, आप चाहो तो भी राशन खरीद नहीं पाओगे, राइट। एक्सेसिबल का मतलब है कि हर इंसान के, हर इंडियन, हर भारतीय के पास में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहता है, क्वालिटी फूड खरीदना चाहता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो खरीद सकता है। अच्छा खाना सस्ते दाम पे अवेलेबल है और आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, आपको बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करके जाना पड़ रहा है उस खाने के लिए, ठीक है। देन वी हैव अफोर्डेबिलिटी। बच्चा, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि सबके पास उतने पैसे होने चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि देश में खाना अवेलेबल है लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी भी जॉब्स नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो उस खाने को अफोर्ड कर पाए, तो फिर उस खाने का कोई भी मतलब नहीं है। जिस रेट पे यूरोप में खाना मिलता है, अगर उस रेट पे हमारे इंडिया में खाना मिलने लग गया ना, तो फिर हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी जनता के हिसाब से उस प्राइसेस में खाना मिलना चाहिए। आपको पता है यूरोप में एक पानी की बोतल लेने जाओगे तो कम से कम 160 रुपए की मिलती है, मतलब 2 यूरो का मतलब है 160-170 रुपए की वो पानी की बोतल मिलेगी आपको। यहां पे कम से कम 20 रुपए की तो पानी की बोतल मिल जाती है ना बाहर, राइट। सो इट कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपनी देश के अंदर जब सारे लोगों के लिए खाना अवेलेबल है, आसपास एनवायरमेंट में अवेलेबल है, एक्सेसिबल तरीके से अवेलेबल है और अफोर्डेबल तरीके से अवेलेबल है, तभी हम बोलेंगे कि देश में फूड सिक्योरिटी है। अच्छा जी, फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दी है, बहुत सारे लोगों ने दी है, कुछ डेफिनेशंस आपके सिलेबस में है, उन्हें जल्दी से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की माने, तो अगर एडिक्वेट यानी कि ठीक ठाक खाना अवेलेबल है हर टाइम पे देश की जनता के लिए, तो उसे आप फूड सिक्योरिटी बोल दोगे। अमर्त्या सेन जो हमारे देश के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी बहुत प्यारी प्यारी इकोनॉमिक पर किताब है, नॉवेल्स हैं, आप पढ़ सकते हो, तो अभी मैं बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो वो उनका कहना है कि खाने, फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में एक्सेस वर्ड भी होना चाहिए और एंटाइटलमेंट वर्ड भी होना चाहिए। देखो यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है वो काफी सिंपल है, अमर्त्या सेन ने उसमें एक्सेसिबिलिटी का वर्ड डाला है। फिर 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुई थी जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इंडिया भी था, उसके अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी का मतलब है जब इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब हर इंसान को, हर घर को, हर एरिया को, हर देश को और पूरी दुनिया को और दुनिया में रहने वाले सारे लोगों को सारे टाइम पे फिजिकल और इकोनॉमिक तरीके से, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में भी मिल रहा है और सही दाम पे भी मिल रहा है, जब अच्छा खाना अवेलेबल होता है तो हम उसे फूड सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो देख रहे हो सारी डेफिनेशंस में कितना फर्क है। 1970s की डेफिनेशन काफी सिंपल थी, अमर्त्या सेन ने उस डेफिनेशन में थोड़े और अच्छे वर्ड्स ऐड किए, और 1995 की फूड सिक्योरिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा देश अभी फूड सिक्योरिटी में काफी पीछे है। इनफैक्ट बहुत सारे देश काफी पीछे, क्योंकि ये डेफिनेशन तो कहती है कि हर एक दुनिया के इंसान को हर एक पर्टिकुलर टाइम पे फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए अच्छे न्यूट्रिशियस फूड का। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट डेफिनेशन, राइट। और इसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोगों में गरीबी भी मिटाएं, क्योंकि भुखमरी और जो गरीबी होती है ना बच्चा, यानी कि खाने की अवेलेबिलिटी बहुत हद तक आपकी जेब में कितना पैसा है उस पर डिपेंड करती है। सो अगर हम पॉवर्टी पे फोकस नहीं करेंगे तो फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी, फूड सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करेंगे तो पॉवर्टी ठीक नहीं हो पाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, अभी तक हमने क्या सीखा है जल्दी से वो जान लेते हैं। हमने सीखा है कि फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन होती है, बट हमारे यहाँ की देश के लिए यही डेफिनेशन बढ़िया है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन उस पर थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो कैलामिटी की बात करते हैं। बच्चा, कैलामिटी की मतलब, कैलामिटी मतलब देश में कोई विपदा आ गई है, देश में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, यू नो फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, खेतों का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, लोगों को अपने घर से डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो अपने घर से वो राशन लेके, सुनामी आ रही थी तो लोग राशन की बोरियां लेके थोड़ी भागे थे, वो तो बस भाग गए थे जान बचा के, राइट। तो फिर क्या होता है कि खाना मार्केट में कम अवेलेबल होता है ना, खाना मार्केट में कम अवेलेबल होता है क्योंकि लोगों के खेत खराब हो जाते हैं, लोगों के घर में रखा हुआ अनाज सड़ जाता है, तो फिर खाना जो मार्केट से खरीद के हमें खाना पड़ता है वो बहुत महंगा पड़ता है, प्राइसेस एकदम से ऊपर चल जाते हैं, क्योंकि डिमांड खाने की उतनी ही होती है, लोग तो उतने ही है, लेकिन खाना जो है, खाने का नुकसान हो गया, खेतों का नुकसान हो गया, तो प्राइसेस बहुत ऊपर चल जाते हैं। फिर कुछ लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कोविड 19 स्टार्ट हुआ था 2020 में,
2020 में सरकार ने पहला लॉकडाउन लगाया था, है ना? आप रहे होंगे स्कूल में, पहला लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। क्या हुआ था फिर? सारी दुकानें बंद हो गई थी, सबने बोला था सारी चीजें सैनिटाइज करो, एकदम से सैनिटाइजर के प्राइसेस ऊपर चले गए थे। छोटी छोटी बॉटल जो होती थी सैनिटाइजर की, वो 25-25 रुपए की जो आज मिलती है, वो छोटी छोटी बॉटल तब 250-250 रुपए की मिल रही थी। मुझे याद है मैं 50 ml सैनिटाइजर 250 रुपए का खरीद के लाई थी ना। आई वॉज लाइक वॉट इज दिस, राइट? वाई? बिकॉज उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो फिर बनाने वालों ने उसके प्राइसेस ज्यादा कर दिए थे। अब मैं तो फिर भी 250 रुपए का 50 ml सैनिटाइजर अफोर्ड कर पाई, कितने लोग अफोर्ड कर पाए? नहीं कर पाए ना लोग। तो हुई है लोगों की डेथ इसलिए क्योंकि वो सही मेजर्स ही नहीं ले पाए COVID-19 में, बिकॉज उनके पास अफोर्डेबिलिटी के मीन्स ही नहीं थे, इतने पैसे ही नहीं थे। तो इसीलिए हम देश में हमेशा खाना बचा के रखते हैं, खाने की अवेलेबिलिटी बना के रखते हैं कि अगर कोई मैसिव कैलामिटी आए, कोई नेचुरल डिजास्टर आए, तो स्टारवेशन यानी कि भुखमरी की सिचुएशन ना आए, फमीन यानी कि सूखे की सिचुएशन ना आए, देश में खाना हो। फमीन क्या होता है बच्चा? हिंदी में बोले तो इसे सूखा बोलते हैं, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी या मतलब SST के टर्म्स में अगर एक डेफिनेशन बनाएंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन जहां खाना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है और खाने की कमी की वजह से लोग भूख से मर रहे होते हैं, और एक आधा इंसान भी मर रहा होता है, बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं, पानी भी कंटेमिनेट हो जाता है, खाना भी कम होता है, और जो खाना होता है वो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना भी नहीं होता है, तो बॉडी में खाने और पानी की वजह से जो वाइड स्प्रेड डेथ होती है बच्चा, उसे फमीन बोलते हैं। तो फमीन इज लाइक एन एपिडेमिक। आपको पता है ना पैंडेमिक क्या होता है और एपिडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक होता है बच्चा जो पूरी दुनिया में होता है। अगर पूरी दुनिया के मोस्टली पार्ट्स में कोई बीमारी फैल गई है तो उसे आप पैंडेमिक बोलोगे, ठीक है? जैसे कि COVID-19 पैंडेमिक था, चाइना से लेके यूएसए तक COVID-19 हर जगह में थोड़े थोड़े तरीके से था, राइट? एपिडेमिक होता है जब एक एक बीमारी का एक पर्टिकुलर एपिसेंटर होता है, एक प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर एपिसेंटर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है, राइट? सो फमीन एक तरीके का एपिसेंटर है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में खाने की कमी आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली सारे देश अपने अपने एग्रीकल्चर को अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर देश में फमीन पड़ जाता है या पर्टिकुलर देश के पर्टिकुलर एरिया में फमीन पड़ जाता है। जैसे हमारे देश का जो सबसे खराब फमीन पड़ा था वो अंग्रेजों के जमाने में पड़ा था, जिसका एक कारण ये भी था कि अंग्रेज हमारे यहाँ का जो खेती का सारा सामान थे वो ब्रिटेन पहुंचा चुके थे। हमारे देश में वैसे भी खाने की कमी थी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की हमारे हमारे देश की पॉपुलेशन की, इंडियंस की पॉपुलेशन की, उन्होंने वो सारा का सारा अनाज ब्रिटेन में पहुंचा दिया ताकि ब्रिटेन की लोगों की जान बच जाए। और उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ बंगाल में बहुत बड़ा इंडिया का सूखा पड़ा था 1943 में। 30 लाख लोग तो ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर मारे गए थे बंगाल की प्रोविंस में, जस्ट बिकॉज कि उन्हें खाना नहीं मिला था। तो सोचो फेमीन इज एन एपिडेमिक, इट इज नॉट जस्ट अ टाइनी सिचुएशन कि अच्छा एक दिन खाना नहीं मिला, एक ऐसी सिचुएशन जहां बिल्कुल ही खाने पानी की कमी आ जाती है कि लोग भूख के मारे और स्टारवेशन के मारे मर जाते हैं, उसे फेमीन बोलते हो आप। और जब ये फमीन आता है तब भी सबसे ज्यादा डेथ कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा डेथ गरीब लोगों में देखने को मिलती है, जैसे गांव साइड में जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं जिनके पास कोई सेविंग नहीं है, जो मछुआरे हैं जिनके पास अगेन कोई सेविंग नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, अगेन जिन लोगों की तनख्वाह कम है, इतनी कम है कि उनके पास सेविंग्स नहीं है कि महंगा खाना खरीद के खा सके, उन लोगों में सबसे ज्यादा डेथ्स देखने को मिलती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बाकी जो अमीर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अरेंज करके खाना अरेंज कर ही लेते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग्स होती है महंगा खाना खरीद के खाने के लिए, राइट? सो बंगाल फमीन जैसा थैंकफुली हमारे इंडिया में और कोई सूखा नहीं पड़ा है 1947 के बाद। हम जब से आजाद हुए हैं हमने अपने देश के एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया है, तो खाने की शॉर्टेज हमने नहीं होने दी है। हाँ एक आधा बार शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन फमीन जैसी सिचुएशन कभी नहीं आई है। COVID-19 के टाइम भी आपने देखा था तो हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत डगमगाई थी, लेकिन लोग देश ने बहुत डट के काम किया और देश में कभी फमीन नहीं पड़ा। हो सकता था कि COVID-19 की वजह से भी फमीन पड़ सकता था, लेकिन हमारे देश की डेमोक्रेसी ऐसी इवॉल्व कर गई थी कि हमने देश में COVID-19 के टाइम पे फमीन बनने की सिचुएशन नहीं आने दी। तो डेफिनेटली हमें COVID-19 पैंडेमिक से भी ये सीखने को मिलता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा आई देश में या दुनिया में, तो फिर हमें खाने की सिक्योरिटी अपने देशवासियों के लिए रखनी है, इनफैक्ट पानी की भी सिचुएशन हमें अपने देश में रखनी है। ठीक है जी, तो आया समझ? इतना आया समझ? चमका तुमको? चमका क्या फूड सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों जरूरी है? चमका ना,
यस, वेरी नाइस. चलिए, सो हु आर फूड इनसिक्योर पीपल? सबसे ज्यादा देखो, फूड इनसिक्योर COVID-19 की सिचुएशन है, ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है, वायरल फीवर चला हुआ है कोई मार्केट में, तो फूड इनसिक्योर सारे लोग ही हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन जब पड़ती है तो. लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं बच्चा जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर रोड पे मैं बोलूँ कि कौन से लोग हैं जिनका एक्सीडेंट होने का सबसे ज्यादा चांस है रोड पे रात के टाइम का, तो तुम बोलोगे कि वो स्ट्रीट वेंडर्स जो रात को ठेला लगाते हैं अपने रात रोड के पास, हाईवे के पास ठेला लगाते हैं, उनके सबसे ज्यादा चांसेस है. वो लोग जिन्हें रात को कम्यूट करना पड़ता है, रात को ऑफिस से घर आना पड़ता है, उन लोगों के सबसे ज्यादा चांसेस है रात को, या घर में बैठे बैठे वाले लोगों के सबसे ज्यादा चांसेस है. ऑब्वियसली जो सड़क पे है उनके ज्यादा चांसेस है एक्सीडेंट होने के. सिमिलरली जब फूड की कमी आएगी, यानी खाने की कमी आएगी देश में, तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज होती हैं जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि, क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं होते, उनके पास घर में कोई भरा हुआ राशन नहीं होता, राइट? सो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं सबसे पहले भुखमरी वाली सिचुएशन में आने के लिए. तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं बच्चा, जैसे लैंडलेस पीपल होते हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं होते हैं. बाहर अगर कभी फेमीन पड़ा तो खुद के खेत होंगे तो आप कम से कम खाना उगा के तो खा लोगे, लेकिन आपके पास खेत ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? खेत नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो फूड इनसिक्योर हो गए. ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वैसे भी बहुत हमारे यहाँ कम कमाते हैं, ये लिवाई स्पाइकर जैसी जो ब्रांड्स है ये बहुत पैसा कमाती है, लेकिन जो हाथ का काम करने वाले, जैसे दिवाली पे जो लोग दिए बनाते हैं, जो ये गरीब कम्युनिटी के आर्टिस्ट होते हैं, इन पे भी बहुत असर पड़ता है. ट्रेडिशनल सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल सर्विसेज मतलब कि जो बहुत छोटी छोटी लेवल के कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनमें उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं. कुछ छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जिनके, अगेन, छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस, आप बड़े लेवल पे कर रहे हो आपके पास सेविंग्स है, आप फूड इनसिक्योर नहीं होगे, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, ठेला लगा रहे हो, ऐसा गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है. डेस्टिट्यूट्स, डेस्टिट्यूट्स का मतलब गरीबों से भी गरीब, यानी कि जो भिखारी होते हैं देश के, ऑब्वियसली उनके पास कोई सेविंग्स तो है नहीं, हमसे एक एक दो दो रुपया लेके कोई उन्होंने बैंक अकाउंट तो खोले नहीं हुए हैं लाखों कमा के, राइट? सो दे डोंट हैव मच मनी. एंड ये दोनों जगह पे डिफर करता है. गांव में हम देखते हैं कि कुछ अलग कम्युनिटीज होती हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड इनसिक्योरिटी के लिए, और शहरों में कुछ अलग कम्युनिटी होती हैं. शहरों में फूड इनसिक्योर फैमिलीज वो होती हैं बच्चा जिनके वर्किंग मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत कम पैसे कमा रहे होते हैं और वो कैजुअल मार्केट में काम कर रहे होते हैं. कैजुअल मार्केट का मतलब आज कोई और काम कर लिया, कल कोई और काम कर लिया, होते हैं ना दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइड पे देखने को मिलते हैं, वो कभी ईंटें उठा रहे होते हैं, कभी सीमेंट मिक्स कर रहे होते हैं, कभी कट्टे उठा रहे होते हैं. सो दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू डू. जब उन्हें जो काम मिलता है उस हिसाब से वो काम उठा लेते हैं, तो दे आर नोन एज कैजुअल वर्कर, जिनका काम हर दिन बदलता रहता है, हर दिन के हिसाब से उनके पास जॉब इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें आप कैजुअल लेबर बोलते हो. तो क्या मैं इस बात से ये बोल सकती हूँ कि जिन लोगों के पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास खाने की सिक्योरिटी भी नहीं होती है ना? जब आपके पास पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, आपका खुद का जॉब जो है सीजनल लेवल पे आपको इंप्लॉय करता है, कुछ महीने आपको काम मिलता है, कुछ महीने आपको काम नहीं मिलता, किसी दिन आपको काम मिलता है, किसी दिन आपको काम नहीं मिलता, काम से कब निकाल दिया जाएगा आपको नहीं पता, तो फिर आपके पास खाने की भी कमी होती है, राइट? दो कहानियां पढ़ते हैं, कहानियों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा. रामू की कहानी है. रामू जो एक कैजुअल लेबरर है, बच्चा बता दिया मैंने कैजुअल लेबरर कौन होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करता है रायपुर नाम के गांव में. उसका बेटा है, सबसे बड़े बेटे का नाम है सोमू, जो 10 साल का है बच्चा, वो भी उसके साथ काम करता है. वो ऑल्सो वर्क्स एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह. तो उनका जो गांव है रायपुर, उसमें जो सतपाल सिंह है, जो गांव के सरपंच हैं, उनकी बैल बकरियों को संभालता है उनका बेटा सोमू. और रामू, सोमू के जो पापा है रामू, वो एक लैंडलेस लेबरर है, मतलब उनके पास खुद का कोई खेत नहीं है, बाकी के खेतों में काम करते हैं. सोमू को पूरा साल एम्प्लॉय किया जाता है सरपंच द्वारा. सरपंच जो है सोमू को पूरा साल एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन उन्हें पैसा देते हैं सिर्फ 1,000 रुपए. रामू जो है उसके 3 और बेटे हैं, 2 और बेटियां हैं, लेकिन वो सारे बच्चे जो है बाकी बहुत छोटे हैं, तो उन्हें हम खेतों में काम नहीं करवा सकते. रामू की जो वाइफ है उसका नाम है सुनहरी, वो भी पार्ट टाइम काम करती है, किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है. झाड़ू पोछे का मतलब जो गांव में जो गाय बैल बकरियों के बड़े बड़े तबेले होते हैं उसकी साफ सफाई का काम करती है, गोबर वोबर इधर से उठा के इधर उधर रखने का काम करती है. उसे काम के बदले में सिर्फ 0.5 लीटर दूध दिया जाता है और कुछ पका हुआ खाना दे दिया जाता है या कुछ सूखी सब्जियां दे दी जाती हैं डेली काम के लिए, पैसे तक नहीं मिलते, ठीक है? इसके अलावा वो अपने हस्बैंड के साथ खेत में भी काम करती है बिजी सीजन में, और घर की कमाई में थोड़ा सा योगदान करने की कोशिश करती है. लेकिन एग्रीकल्चर आपको पता है एक सीजनल एक्टिविटी होती है, जब खेतों में बीज डालने होते हैं, फसल की कटाई करनी होती है, तो ज्यादा लोग चाहिए, तब जो है इन लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अदरवाइज पूरा साल ये जो है हाथ पे हाथ रख के इन्हें बैठना पड़ता है.
राइट, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ्स. तो हर साल 4 महीने ऐसे आते हैं जब रामू को कोई काम नहीं मिलता है और उसे काम मिलने का इंतजार करना पड़ता है और उसे बाकी कोई छोटे छोटे काम उठाने पड़ते हैं. समटाइम ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन द ब्रिक लेइंग. कभी कभी वो जो ईंटों की भट्टियां होती हैं, ईंटों बनाने वाली जो भट्टियों वाली साइट होती है गाँव में, आपने देखी होगी, वहां पर उसे कभी कभी काम मिल जाता है या किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मिल जाता है. लेकिन अदरवाइज 4 महीने उसे घर पर बैठना पड़ता है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है. इस सबके बावजूद भी रामू इज एबल टू अर्न एनफ ईदर इन कैश अ काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल्स फॉर 2 स्क्वायर मील फॉर हिज फैमिली. इतना सब करने के बाद रामू को इतने पैसे मिलते हैं कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर पाता है. सोचो कितनी मेहनत कर रहा है रामू लेकिन कितना कम कमा पा रहा है. हाउएवर जब दिन होता है जब वो कुछ भी काम नहीं मिलता है, जब ऐसे दिन होते हैं जब उसे कुछ भी काम नहीं मिलता है, तो उसकी फैमिली को बहुत डिफिकल्टीज भी आती है. उसके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है. घर में दूध और वेजिटेबल्स बिल्कुल भी रेगुलरली नहीं आता है, सिर्फ दाल चावल खा के भी सोना पड़ता है या सिर्फ चावल खा के भी सोना पड़ता है. रामू की फैमिली जो है फूड इनसिक्योर है. जो 4 महीने उसे बिल्कुल काम नहीं मिलता, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि रामू की फैमिली उस टाइम पे फूड इनसिक्योर होती है? क्योंकि काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाना नहीं है. ठीक है, रामू का हमने देखा रूरल इंडिया का. अब अर्बन इंडिया की बात करते हैं. अर्बन इंडिया में हमें कहानी पढ़नी है अहमद नाम के लड़के की. अहमद जो है एक रिक्शा चलाने वाला लड़का है बैंगलोर में. वो झुमरी तलैया नाम के एक गांव से आया था अपने 3 भाइयों और 2 बहनों के साथ और उसके बूढ़े माँ बाप के साथ. ठीक है, झुग्गी में रहता है. झुग्गी मतलब स्लम एरिया में रहता है. उसके पूरे खानदान का सर्वाइवल जो है उसकी डेली रिक्शा से जो कमाई होती है उस पर निर्भर है. लेकिन उसे कोई इतना कोई सिक्योर एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं. कभी कभी बहुत धूप होती है, वो ज्यादा रिक्शा नहीं चला पाता. कभी कभी उसकी तबीयत खराब होती है एंड ऑल ऑफ दैट. और हर दिन में जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पैसा कमाए. कभी अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, कभी बुरी मिलती है. रिक्शा चला के जरूरी थोड़ी है कि आपको हर वक्त सेम अमाउंट ऑफ पैसा मिले. ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल दिस डे टू डे नेसेसिटी. कभी कभी उसके पास इतना पैसा बच जाता है कि कुछ वो पैसे बचा भी लेता है. लेकिन बेयरली ज्यादातर दिन क्या होता है कि उसका जो भी पैसा होता है वो छोटी छोटी चीजों में, दूध का पैकेट या खाना, सब्जियां, चावल, दाल, आटा, इसी में निकल जाता है. हाउएवर फॉर्चुनेटली, लेकिन वो थोड़ा सा लकी है कि अहमद ने एक येलो कार्ड बनवा रखा है, राशन कार्ड बनवा रखा है, जो कि पीडीएस सिस्टम में उसको अवेलेबल कराता है. एक सेकेंड. अच्छा हाँ ठीक है. दिस कार्ड अहमद गेट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज. तो उसने ये जो राशन कार्ड बनवा रखा है इसकी वजह से ये थोड़ी चीजें इसे थोड़ी मुफ्त में और थोड़ी सी कम दाम में मिल जाती हैं. और ये जो एसेंशियल सामान है ये मार्केट प्राइस से बहुत कम में मिल जाता है और इससे इसका सर्वाइवल सुनिश्चित हो पा रहा है. उसकी बड़ी सी फैमिली उसकी थोड़ी सी कम सी अर्निंग पे भी जिंदा रह पा रही है. सो आपने देखा 2 कंडीशन. आपने अहमद की कहानी देखी और आपने रामू की कहानी देखी. रामू के पास कोई भी येल्लो कार्ड नहीं था, कोई भी राशन कार्ड नहीं था जिससे वो फैमिली के लिए सस्ते दाम में प्राइसेस में लेके आ पाए खाना. फूड इनसिक्योर था उसकी फैमिली एटलीस्ट 4 महीने जब रामू के पास कोई काम नहीं था. अहमद के पास क्योंकि वो सरकार की थोड़ी सी मदद थी, उसके पास पीले रंग का राशन कार्ड था तो उसका फिर भी थोड़ा सा भला हो जा रहा था. तो हमने देखा कि फूड इनसिक्योरिटी अहमद के केस में क्योंकि सरकार ने उसे फूड इनसिक्योरिटी में थोड़ी सी मदद की, तो अहमद इतना फूड इनसिक्योर नहीं है जितना रामू है. तो इसीलिए देश में फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करना बच्चा बहुत जरूरी है. ठीक है, दोनों कहानियों से हमें यह पता चला. द सोशल कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी. तो अभी तक हमने क्या समझा, जिनकी जॉब इनसिक्योर है उनका खाना भी इनसिक्योर है क्योंकि पैसे नहीं तो खाना नहीं है ना. तो अगर आपके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो सुनिश्चित है कि आपके पास खाने की सिक्योरिटी भी नहीं होगी. और जॉब की इनसिक्योरिटी किसके पास होती है, जो एससी एसटी ओबीसी सेक्शन होता है, जो लोअर कास्ट सेक्शन होता है. गांव गांव में चले जाओ ना तो अभी भी लोअर कास्ट लोगों को जॉब देने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं. देश ऐसा नहीं है कि देश में गरीब जो है सिर्फ लोअर कास्ट पॉपुलेशन है, अपर कास्ट पॉपुलेशन भी है गरीब, लेकिन लोअर कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से उनमें गरीबी ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू द अदर कास्ट ग्रुप. सो एसटी एससी एससी एसटीज एंड ओबीसी ज्यादा वल्नरेबल है. देन जो नेचुरल डिजास्टर से निकल के आते हैं लोग वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनका घर उनके खेत जो है नेचुरल डिजास्टर में बर्बाद हो जाते हैं. जैसे भुज में गुजरात में 2002 में या 3 में आई गेस बहुत बड़ा भूकंप आया था, मैं बहुत छोटी थी एंड दिस वॉज वेरी डिवास्टेटिंग और वहां से लोगों में कई ज्यादा गरीबी आ गई थी. देन अगर औरतों की बात करें तो घर में जो औरतें होती हैं घर का जो मोस्टली जो न्यूट्रिशियस खाना होता है जैसे ड्राई फ्रूट है अगर थोड़े से घर में या खीर बनी है या दूध है तो वो बच्चों को खिला दिया जाता है. औरतें
जो हैं खुद नहीं खाती हैं, खुद जो है कुछ भी रूखी सूखी खा लेती हैं। तो औरतों में माल नरिशमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, इनफैक्ट अनबॉर्न बेबी भी रिस्क पे हो जाता है माल न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि एक तो औरतों का खुद का इतना गिविंग नेचर होता है कि वो पूरे घर का पेट भर देती है, फिर लास्ट में जो बचा कुचा होता है वो खाती है, और दूसरा अगर एक घर में लड़की है और लड़का दोनों है तो भी हमारे इंडिया में इतना फर्क किया जाता है लड़का और लड़की में कि लड़के को फिर भी एक ग्लास दूध पिला दिया जाएगा लेकिन लड़की को उसमें से आधा आधा करके दोनों भाई बहनों को आधा आधा नहीं दिया जाएगा, राइट। सो प्रेग्नेंट औरतें हो गई, विडोज हो गई, एससी कम्युनिटी हो गई, एसटी कम्युनिटी हो गई, ओबीसीज हो गए, देश के लैंडलेस लेबरर्स हो गए, कैजुअल वर्कर्स हो गए, दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू फूड सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ इस पूरी कम्युनिटी में सब लोग फूड इनसिक्योर है, बहुत अमीर लोगों की औरतें भी होंगी जो विडोज होंगी एंड दे आर डेफिनेटली नॉट फूड इनसिक्योर, बट If we had to coin down कि कौन सी vulnerable communities हैं, ये हैं vulnerable communities। अच्छा अब इसमें भी क्या है बच्चा कि देश के सारे के सारी states एक जैसा नहीं कर रही हैं। कुछ states हैं जो बहुत develop हैं, वहाँ पे unemployment कम है, वहाँ पे illiteracy कम है, मतलब कि लोग पढ़े लिखे भी हैं, लोगों के पास jobs भी हैं, तो वहाँ पे गरीबी भी कम है। तो जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, हमने ये notice किया है कि जिन states में गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे food insecurity भी ज़्यादा है। For example जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, specially उत्तर प्रदेश का जो बिहार से लगा हुआ हिस्सा है, ईस्टर्न यूपी जो है, साउथ ईस्टर्न जो है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स में हमें पैसे की भी कमी देखने को मिलती है और इसी देश में हमें फिर फूड इनसिक्योरिटी भी दिखती है। और भी कारण है इन स्टेट्स में, जैसे यूपी बिहार महाराष्ट्र वगैरह में तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, पैसे भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जनता जो है क्या होगी, खाने खाने के लिए मोहताज होगी और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फूड इनसिक्योरिटी। चमका इतना चमका क्या? यस मैम, एडिक्वेट का क्या मतलब होता है? मतलब पर्याप्त, जितना चाहिए आपको उतना है आपके पास। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द एडिक्वेट मार्क्स, तो 60-70 आ जाए तो ठीक है, ना टॉपर है ना फेलियर है, बट ठीक ठाक मार्क्स है ना। थैंक यू निखिल, इज लाइक आई एम लुकिंग एट यू इन 1080 पी एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। थैंक यू, नहाई नहीं हूँ सुबह से बट ठीक है, थैंक यू। क्लामिटीज का मतलब बच्चा विपदा आना, कोई प्रॉब्लम आना, बड़ी सी प्रॉब्लम आना है, ठीक है जी। चलिए, सो अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। और अगर एक घर की बात करें, अभी तक हम देश के लेवल की बात कर रहे थे, घर के अंदर की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन में, स्पेशली गरीब फैमिलीज में, इतना खाना नहीं होता है, इतना न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की नीड्स को हम केटर कर सके। प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है, तो वहां पे प्रेग्नेंट वुमेन भी रिस्क पे आ जाती है, है ना। तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार समअप करें। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखिए, उसके तीन पिलर्स देखे, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि क्यों जरूरी है फूड सिक्योरिटी, फिर हमने पढ़ा कि फूड इनसिक्योर कम्युनिटीज कौन सी होती हैं, फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि दूसरा पहलू क्या है फूड इनसिक्योरिटी का। दूसरा पहलू है बच्चा हंगर, भूख लगती है, भूख लगती है लेकिन पेट भरने के लिए खाना नहीं होता, उसी को फूड इनसिक्योरिटी बोलते हैं। तो हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योर। डेफिनेटली आप खेल के आए हो, आप भूखे होगे, लेकिन अगर मैं देश में पता लगाऊं कि कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे भूखे सोते हैं, जो डाइटिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन डेली बेसिस पे जिन्हें भूखा सोना पड़ता है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज द मेजर पॉपुलेशन जो फूड इनसिक्योर है? भूखा सोना पड़ रहा है, खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब भी तो भूखा सो रहे हो ना भाई, राइट। सो हंगर सिर्फ गरीबी को नहीं एक्सप्रेस करता है, बल्कि हंगर की वजह से गरीबी भी आती है। हंगर फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हमें लेके जाता है, जहां हमें हंगर देखने को मिलती है वहां हमें फूड इनसिक्योरिटी भी देखने को मिलती है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो अगर हम हंगर पे काबू पा लें, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन, हमारी प्रेजेंट इंडिया में कितने लोग भूखे पेट रोज सो रहे हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, और आगे हमारे इंडिया में कैसे किसी भी इंसान को भूखे पेट ना सोना पड़े इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दें, यानी हंगर की प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट
को सॉल्व कर दे तो हम बहुत हद तक फूड सिक्योरिटी देश में ले आएंगे, क्योंकि सब कुछ खाने से रिलेटेड है। हंगर भी खाने की वजह से होता है और फूड इनसिक्योरिटी इज दैट सिचुएशन जहां लोगों को भूखा सोना पड़ता है। अच्छा, भुखमरी भी दो तरीके की होती है, हंगर भी दो तरीके की होती है। एक होता है क्रॉनिक हंगर बच्चा, एक होता है सीजनल हंगर। जहां पे भी आपको वर्ड दिखे ना क्रॉनिक, समझ जाना कि कोई चीज बार 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 हो रही है, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब ये होता है। जहां पे भी आपको वर्ड दिखे सीजनल, मतलब कि समझ जाना कि कोई चीज मौसम की तरह बदलती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। क्रॉनिक हंगर का मतलब है कि आप लंबे टाइम तक भूखे रहते हो, लंबे टाइम से भूखे रहते हो, या लंबे टाइम तक आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं होता, ठीक है जी। सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो जो गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या, एक वक्त का खाना खाने की आदत पड़ जाती है। हमारी तरह वो चार बार दिन में नहीं खाते हैं, एक वक्त का खाना खाने की आदत पड़ जाती है। उस एक वक्त में भी वो चावल उबाल के खा लेते हैं, नमक डाल के या प्याज के साथ रोटी खा लेते हैं। तो कहने के लिए तो वो भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, दिन में एक बार खाना खा ही ले रहे हैं, चार रोटियां खा ही ले रहे हैं, प्याज खा ले रहे हैं, एक दो नमक थोड़ा सा खा ले रहे हैं, लेकिन वो क्या खाना पर्याप्त है उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए? क्या वो दूध पी रहे हैं? क्या वो प्रोटीन ले रहे हैं किसी तरीके का, मिनरल ले रहे हैं, वाइट में ले रहे हैं? नहीं। सो ऐसे लोग जो साल दर साल हर दिन इस तरीके का खाना खाते हैं जो ना तो क्वांटिटी बेसिस पे पर्याप्त है उनकी बॉडी के लिए, ना क्वालिटी बेसिस पे उनके लिए एडिक्वेट है, उनमें हमें क्रॉनिक हंगर देखने को मिलता है। और फिर धीरे 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 उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं रहती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कहां से आएगी? जब आप अच्छा पोषण वाला खाना खाओगे। जब पोषण वाला खाना ही नहीं खाओगे तो बॉडी धीरे धीरे बीमार होती रहेगी और इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाएगी। सीजनल हंगर हमें कहां देखने को मिलती है? सीजनल हंगर उन घरों में देखने को मिलती है जहां पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है। जब आपको काम ही साल के कुछ टाइम पे लिए मिलता है, जैसे रामू के केस में, और कुछ महीने आपको काम मिलता ही नहीं है, तो उन कुछ महीनों में आपके घर में खाना जो है एडिक्वेट अमाउंट में नहीं आ पाता। सो दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज, जहां पे लोगों के पास काम रेनी सीजन के टाइम पे होता है लेकिन बाकी टाइम पे नहीं होता है। तो वहां पे लोगों को पूरा साल जब काम नहीं मिलता है तो उसकी वजह से कुछ महीने घर में पैसा नहीं आता है और उसकी वजह से वहां पे सीजनल हंगर हो जाते हैं, ठीक है। सो हंगर समझ आया क्या है? हंगर फूड सिक्योरिटी का एक दूसरा रूप है। हंगर पावर्टी, हंगर की वजह से पावर्टी भी आती है, हंगर की वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी आती है, और हंगर दो तरीके की होती है। हमने ये पढ़ लिया और हमने ये भी जाना कि अगर हंगर को सॉल्व कर दिया हमने, अगर हंगर को सॉल्व कर दिया बेटा जी आज की जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए, तो हमने देश में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है, राइट। हाँ जी, ये बार ग्राफ देख लेते हैं एक बार, बार ग्राफ कह रही हूँ, चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देश की सीजनल, क्रॉनिक और टोटल हंगर के बारे में दिखाया हुआ है। अगर आप 1983 में देखोगे तो हमारे देश में सीजनल हंगर 16% हुआ करती थी, टोटल 18.5 हुआ करती थी, क्रॉनिक बहुत ही कम थी। अब आप 1999 से 2000 का लेवल अगर देखोगे तो अभी हमारे यहाँ सीजनल हंगर जो है 0.6% हो गई है, क्रॉनिक जो है 0.3% हो गई है। अब एक बात याद रखना, 1983 में पॉपुलेशन भी कम थी तो उसका 16.2% बहुत कम बनता था, और पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो 0.6% भी एक तरीके से अच्छा खासा अमाउंट बन रहा है। लेकिन ओवरऑल फिर भी हमने रूरल और अर्बन एरियाज में, आप देख रहे हो कि रूरल एरियाज में हम 16 से उठ के 2 पे आ गए हैं, 2.5 पे आ गए हैं, अर्बन एरियाज में हम 5 से उठ के 0.6 पे आ गए हैं। तो हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए हैं अपने देश में भुखमरी को, हंगर को और फूड इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए। क्यों किए हैं? क्योंकि बच्चा जब हम आजाद हुए थे, आजादी हमें 1947 में मिली, 1943 में बंगाल फमीन आया था जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे भुखमरी से, तो हमारे देश को ऑलरेडी पता था कि एक तो हमारे देश में खेती इतने ज्यादा लोग करते हैं, दूसरे हमारे देश की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तीसरा हमारे देश में गरीबी बहुत थी। तो हमें पता था कि हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि देश की आजादी के बाद देश में अच्छी तरीके से हम खाना उगा पाए, ताकि हमें खाने के लिए बाकी देशों पर डिपेंडेंट ना पड़े, बाकी देशों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो इंदिरा गांधी जो थी हमारी तब की प्राइम मिनिस्टर जो थी, उन्होंने शुरू तो ये पहले ही हो गया था, 1950s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया था, पर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब था कि हम खेती में रेवोल्यूशन ला रहे थे, खेती में मॉडर्न एस्पेक्ट ला रहे थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इरिगेशन पंप्स, ऑल ऑफ दैट, ताकि फार्मर्स को नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट ना पड़े। भाई क्या पता ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रखी है, बारिश आए ना आए, आई तो खेती अच्छी हो गई, नहीं आई तो खेती नहीं हुई, है ना। हम ऐसे नहीं रह सकते, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सबके पास खाना होना चाहिए खाने के लिए। सो फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन में
हमने फोकस एक दो क्रॉप्स पे ज्यादा किया, वीट पे, राइस पे, दालों पे ज्यादा फोकस किया हमने, शुरुआत हमने की वीट से। जब वीट में हमने सक्सेस देखी तो फिर उसे बाकी जगहों पे भी हमने लागू किया, बाकी क्रॉप्स के लिए भी लागू किया। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे ज्यादा हाई रिकॉर्ड आया था ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे देश में, वीट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी वीट पर्टिकुलरली बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया था। जुलाई 1968 में हमारे देश का जो स्पेशल स्टैंप था वो बनाया गया था, जिसमें हमने वीट को दर्शाया था। क्यों? क्योंकि हम अपने देश की वीट प्रोडक्शन से काफी खुश थे। बाद में क्या हुआ कि जो इसका सक्सेस था वीट का, वो हमने बाकी क्रॉप्स में भी रेप्लीकेट किया। प्रॉब्लम ये थी बच्चा कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का असर था वो पूरे देश पे एक जैसा नहीं पड़ा। हमारे देश में अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, अलग अलग तरीके की नदियां हैं, अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है, अलग अलग तरीके का फार्मिंग पैटर्न है, फूड पैटर्न है। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, पानी इतना अच्छा है, क्लाइमेट इतना अच्छा है कि वहाँ पे अच्छे से खेती हो जाती है, तो वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी अच्छे से फला फूला। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे खेती करना ज्यादा मुश्किल है, जहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन का असर उतना नहीं दिखा। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा असर देखा ग्रीन रेवोल्यूशन का। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, इट वॉज डेफिनेटली रियली रियली नाइस फॉर आर कंट्री। हमने देखा कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हमने अनाज उगाया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, स्पेशली वीट उगाया। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हमारे देश में वो बढ़ गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिग्निफिकेंटली हायर प्रोडक्शन होने लग गया वीट का। आज भी आप देखते हो वीट के मामले में हमारा मध्य प्रदेश सबसे आगे, सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में उगता है। वेस्ट बंगाल और यूपी जैसे स्टेट्स में राइस बहुत अच्छे से उगने लग गया बच्चा। जहां राइस ज्यादा खाया जाता है वहां राइस ज्यादा उगता है। तो वेस्ट बंगाल हमारे देश का आज लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का, ठीक है, और एमपी लीडिंग प्रोड्यूसर है वीट का। तो अलग अलग फूड हैबिट्स के हिसाब से अलग अलग फार्मर्स ने अलग अलग क्रॉप में रेवोल्यूशन दिखाया, एंड वीट और राइस में पर्टिकुलरली पूरे इंडिया में ज्यादा आया, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में वीट और राइस पूरे इंडिया में खाया जाता है ना जी। तो ये हमने किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों किया? हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अपने देश में फूड सिक्योरिटी लाने के लिए किया। तो फूड सिक्योरिटी लाने के लिए हमने अपने देश में क्या क्या किया, अगर तुम्हारे पास पूछने को आए तो तुम ग्रीन रेवोल्यूशन भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। विद द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s, ये गलत लिखा है यहाँ पे, 1960s से लेके 1980s तक ग्रीन रेवोल्यूशन चला, इनफैक्ट 50s में शुरू हो गया था, बट नेवर माइंड। द कंट्री हैज अवॉइडेड फमीन इवन डूइंग एडवर्स वेदर कंडीशन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चा, कि हमारे देश में कभी सूखे की हालत नहीं पड़ी जो बंगाल में हमारी आजादी से पहले आ गई थी, ठीक है। तो हमने उससे सीखा, अंग्रेज चाहे सीखे ना सीखे, इंडिया सेल्फ सफिशियंट है खाने की कगार पे। हमारे देश में इतना खाना होता है पिछले 30 सालों से, इतना ज्यादा अनाज होता है कि हम अपने देश को तो केटर कर ही सकते हैं, साथ में बाकी देशों को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहां से पैसे भी कमाते हैं। तो हमारे देश में फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी गंदे से गंदे वेदर में भी कंट्री लेवल पे सफिशिएंट रहती है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज़ कि हमारी सरकार ने, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रहा हो देश का या रही हो देश की, हमारी सरकार जो भी आज तक आई हैं, गई हैं, सबने फोकस किया है देश में फूड सिक्योरिटी रखने के लिए, और हमारे देश का फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा ही जा रहा है। 1960s और 61 में आप देख रहे हो कि 80 मिलियन टन खाना प्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, और आप देख रहे हो कि 2019 और 20 में 297 मिलियन खाना प्रोड्यूस हुआ है। तो अब इसका काफी ज्यादा हिस्सा देश के काम आता है और काफी ज्यादा हिस्सा इसमें से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि फूड सिक्योरिटी भारत इंश्योर कैसे करता है, तो आपको बोलना है दो तरीके से, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो घर में गेस्ट आए थे, एक डब्बा चॉकलेट का लाए थे, तुम हो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, तीन बच्चे हैं घर में और चॉकलेट का डब्बा है एक, और साथ में मम्मी ये भी नहीं चाहती हैं कि चॉकलेट इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि बाद में बच्चे एक हफ्ते बाद बोले कि हमें एक और डब्बा ला के दो, राइट। तो क्या कर रहे हैं मम्मा और पापा तुम्हारे लिए? पहली बात तो चॉकलेट को एक सिक्योर जगह पे रख रहे हैं, कि ये नहीं कि एक ही साथ चॉकलेट खराब हो जाए या चॉकलेट को चूहा खा जाए या चॉकलेट जो पिघल जाए, नहीं, पहले चॉकलेट बचनी तो चाहिए। तो हमने प्यारी सी सुंदर सी अलमीरा में या कबर्ड में रख दी चॉकलेट को। अब क्या कर रही हैं मम्मी और पापा मिलके, तुम्हें रोज एक एक चॉकलेट देते हैं, एक चॉकलेट तुम्हें, एक भाई को, एक बहन को, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं कि तुम्हारे पास रोज चॉकलेट भी हो और साथ में चॉकलेट ज्यादा दिन तक भी चले और साथ में चॉकलेट की अवेलेबिलिटी भी हो। कुछ ऐसा ही लॉजिक हमारे देश की डेमोक्रेटिक सरकार लगाती है बच्चा। बफर स्टॉक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अनाज हमारे देश में रखा जाता है ताकि देश की जनता को जब भी जरूरत पड़े उसकी, तो हम उसे प्रोवाइड कर सके।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हम देश की डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो अपने लिए खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें हम मंथली बेसिस पे खाना प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जितना भारत हमारा है बच्चा मिडिल क्लास या अपर क्लास लोगों का, उतना ही भारत गरीब लोगों का भी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर फूड सिक्योरिटी मैकेनिज्म वर्क्स। नाउ this is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society at a price lower. obviously जब हम गरीब लोगों को ये खाना provide करते हैं through public distribution system, public का मतलब जनता, distribution मतलब जनता को कुछ बांटना, system का मतलब आप जानते ही हो, तो हम उन्हें 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो पे देते हैं, बहुत ही कम रुपए पे हम उन्हें अनाज देते हैं, मार्केट प्राइस से बहुत कम, ताकि गरीब लोगों के पास भी खाना अवेलेबल हो, बुरे से बुरी सिचुएशन में, चाहे उनके खेतों में फसल नहीं हुई है, चाहे उनके पास खेत ही नहीं है, वो सड़क पे बैठने वाले भिखारी हैं, तो भी उनके पेट में खाना होना चाहिए, देश में कोई भूखा पेट ना सोए, प्रेजेंट हंगर और फ्यूचर हंगर ना हो देश में। ठीक है, तो पहले बफर स्टॉक समझ लेते हैं, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझते हैं, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। बफर स्टॉक, बफर का मतलब जिस कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का मतलब समझते हो, इमरजेंसी, इमरजेंसी स्टॉक का मतलब जो तुम चीजें स्टोर करके रख रहे हो, तो इमरजेंसी के लिए जब तुम चीजें स्टोर करके रखते हो तो उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। मान लो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से या तुम्हारे फाइनल एग्जाम है, तुम्हें तुमने 5 पेन खरीदे, 5ों पेन तुम नहीं लेके जाते हो अपने एग्जाम देने, तुम 2 पेन घर पे छोड़ के जाते हो, 3 पेन लेके जाते हो कि भाई अगर डिब्बी गुम गई, पेन का बॉक्स ही गुम गया, तो मेरे घर पे 2 पेन तो होंगे ना मेरे लिए अगले पेपर में ले जाने के लिए, तो दैट इज योर बफर स्टॉक। ठीक है, तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स, नेमली वीट, मोस्टली जो पूरा देश खाता है वही हम फूड ग्रेन्स इसमें रखते हैं, ये नहीं कि राजमा चावल सब कुछ ही रख देते हैं, नहीं, वीट, राइस, थोड़ी सी दालें अलग अलग तरीके की हम इसमें बफर स्टॉक में इकट्ठा करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठा करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है सरकार के अंदर, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम है देश में फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है कि चावल हो गया या गेहूं हो गया वो देश के फार्मर से खरीदती है, जब देश के फार्मर सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कि एक किसान जब खेती करता है ना बच्चा या करती है, तो सबसे पहले तो अपने घर के लिए अनाज उगाते हैं, सबसे पहले घर के लिए होता है, घर का वाला निकाल लेते हैं, फिर वो मार्केट में बेचने जाते हैं। अब मार्केट में बेचो, सरकार को बेचो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, जहां आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है एज अ फार्मर आप वहां बेच दो। ठीक है, सो FCI क्या करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हर साल एक पर्टिकुलर प्राइस बताती है बच्चा, खेती के सीजन से पहले एक प्राइस अनाउंस करती है कि इस साल सरकार जो है चावल के इतने दाम देगी, इस साल जो है सरकार गेहूं के इतने दाम देगी। अगर फार्मर्स को वो प्राइस अच्छा लग रहा है, प्री अनाउंस्ड, क्रॉपिंग करने से पहले अनाउंस होता है, क्रॉप करने के बाद नहीं होता है, क्रॉपिंग सीजन से पहले अनाउंस हो जाता है, बारिशों से पहले अनाउंस हो जाता है, अगर आपको वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छा लगा सरकार का, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना गेहूं और चावल उगाओ कि यार मैंने ना 10 किलो जो है मैं सरकार को बेचूंगा, बाकी जो है मार्केट में बेच के आऊंगा। अगर आपको वो सरकार का प्राइस अच्छा नहीं लगा, आप ऐसी स्टेट में बिलोंग करते हो जहां मार्केट में अगर आप बेचते हो चावल दाल तो आपको अच्छा एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है, तो आप सरकार को मत बेचो, राइट। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार जो है प्राइस अच्छे ही देती है ताकि फार्मर्स को भी सरकार को खाना बेचते हुए, अनाज बेचते हुए बुरा ना लगे, उनको ऐसा ना लगे कि हमारा घाटा हो रहा है यार। ठीक है, सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, आप जब मिट्टी में बीज डालते हो उस सीजन से पहले ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर देती है। हर साल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन की मार्केट में कितनी क्या प्राइसेस चल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन की दुनिया में क्या प्राइसेस चल रहे हैं क्रॉप्स के, डिपेंडिंग अपॉन की देश के फार्मर्स को कितने पैसे की जरूरत है, ऑल ऑफ दैट सब कुछ चीजें निकाल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाता है, और फिर उनसे फार्मर से वो खरीदा जाता है अनाज हर स्टेट में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो एक तो सेंट्रल लेवल पे होगी, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर हर स्टेट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, फिर हर शहर में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ऐसे हर लेवल पे, चाहे सेंट्रल लेवल है, चाहे स्टेट लेवल है, चाहे लोकल लेवल है, हर लेवल पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बड़े बड़े अनाज गोदाम होते हैं। ग्रेनरीज का मतलब क्या होता है बच्चा, ग्रेनरीज का मतलब होता है अनाज गोदाम, गोदाम की तो हिंदी में स्पेलिंग मुझे नहीं आएगी, अनाज गोदाम, अनाज गोदाम में वहां से फार्मर से, आसपास के फार्मर से ये सामान खरीद के, आटा, आटा तो नहीं, गेहूं और चावल खरीद के रखा जाता है, और फिर उसमें से जो फूड प्रोक्योर किया, यानी कि फार्मर से जो फूड खरीदा, जो सीरियल क्रॉप्स खरीदे, उन्हें आधा तो वहां पे रख लिया जाता है। देखो मैं क्या बता रही हूं तुम्हें, यहां ध्यान देना, ये बच्चा फार्मर्स, फार्मर से हमने क्या खरीदी, क्रॉप्स खरीदी, किसने खरीदी,
एफसीआई ने खरीदी। एफसीआई ने वो क्रॉप्स कहाँ डाल दी, ग्रेनरीज में डाल दी। ठीक है, ग्रेनरीज में डाल दी, कुछ क्रॉप्स उसमें से ग्रेनरीज में डाल दी, कुछ क्रॉप्स उसमें से भेज दी फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप में लोग खड़े थे लाइन लगा के, उन लोगों के पास था बिलो पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन राशन कार्ड। जब उन्होंने वो दुकान पे वो राशन कार्ड दिखाया तो उन्हें कुछ अनाज मिल गया, कुछ अनाज मिल गया, पर ग्रेनरीज में भी कुछ अनाज बचा हुआ है। तो सरकार क्या करती है, एफसीआई क्या करती है, कुछ अनाज गोदाम रखती है खाना भर के, ताकि कैलामिटीज के लिए यूज हो सके, जैसे कि COVID-19 या सुनामी वगैरह अगर कुछ बाई चांस देश में आ गया खुदा ना खास्ता। और बाकी जो खाना होता है वो देश की पॉपुलेशन के हिसाब से देश के गरीबों को बेचा जाता है बहुत ही कम दाम पे, मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम पे, ऑन द फेयर प्राइस शॉप। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गली में, हर कूचे में, गलियों में तो नहीं, हर शहर और हर स्टेट के अंदर, हर गांव में आपको फेयर प्राइस शॉप्स दिखती हैं, जिन्हें राशन शॉप्स भी बोला जाता है। लोकल तरीके से आप देखना सरकार की फेयर प्राइस शॉप आपके आसपास लोकैलिटी में कहाँ है, ये आपका होमवर्क भी है। हमारे देश में अभी टोटल 5.5 लाख राशन शॉप है, अब तो इससे ज्यादा नंबर है। ये राशन शॉप है, ये सिर्फ पुणे ही देते हैं। देखो नीचे फोटो में दिखाया हुआ है मैंने राशन शॉप, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी राशन कार्ड लेके जाओगे तो आपको ये दे देंगे, आपको दे देंगे उतने सस्ते दाम में खाना, नहीं, ये उन्हें ही देते हैं जो दिखाते हैं अपना राशन कार्ड कि भाई हम बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, सरकार ने हमें ये राशन कार्ड दिया है सो दैट हम अपनी फैमिली का कम पैसे में अनाज खरीद के पेट पाल सके। ठीक है, सो फेयर प्राइस शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुगर केरोसिन, खाना बनाने के लिए जो तेल चीनी वगैरह भी चाहिए होता है वो भी सब रखते हैं, मार्केट प्राइस से कम सामान में बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को देते हैं। आया समझना, देश के फार्मर्स को प्राइस अनाउंस कर दिया कि अगर आपको हमें सामान बेचना है तो बेच देना, देश के फार्मर्स ने सरकार को सामान बेचा, सरकार मतलब कि एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ने कुछ खाना उसमें से अपने अनाज गोदाम में डाल दिया, कुछ खाना उसमें से फेयर प्राइस शॉप्स में बेच दिया, ताकि गरीब लोगों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है जी, एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड कैन बाय अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज। पहले क्या होता था कि ये राशन कार्ड में ऐसी कोई हमने प्रावधान नहीं लगाए हुए थे, जिसके पास भी राशन कार्ड होता था वो ये खरीद सकता था। फिर बाद में हमने इसे चेंज कर दिया, हमने दो तीन तरीके के अलग अलग तरीके के राशन कार्ड बना दिए बच्चा। एक्चुअली इन टोटल मैं बोलूं, आगे होगा, इन टोटल मैं बोलूं तो हमारे देश में 5 तरीके के राशन कार्ड होते हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में 3 ही मेंशन है तो 3 ही करते हैं। एक होता है अंत्योदय राशन कार्ड, जो गरीबों से भी गरीबों में भी जो सबसे गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए होता है। एक होता है बीपीएल, यानी कि बिलो पावर्टी लाइन। अब बीपीएल की डेफिनेशन भी हमारे देश में चेंज होती रहती है, हर हर साल थोड़ी सी रिवाइज होती रहती है। बिलो पावर्टी लाइन मतलब कि देश एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे बोलता है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे से अगर आप मंथली कम कमाते हो तो आप बिलो पावर्टी लाइन हो। जब आप वो अपनी इनकम दिखाओगे कि हम साल में इतने ही पैसे कमाते हैं तो आपका एक बीपीएल राशन कार्ड इश्यू हो जाएगा, और फिर आप अपने आसपास किसी भी लोकैलिटी की राशन शॉप, सरकारी राशन शॉप पे जाके वो खाना, 35 किलो आपको ग्रेन मिलता है जिसमें से 5 लीटर केरोसिन भी मिलता है, 5 लीटर 5 किलो चीनी भी मिलती है, हर महीने आपकी फैमिली के साइज के हिसाब से आपको इतना खाना मिलता है सस्ते दाम पे। देन देयर आर एपीएल कार्ड होल्डर, जैसे कि हम और आप। एपीएल का मतलब है अबव पॉवर्टी लाइन, तो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो है खुद खरीद के खाना खा सकते हैं, सक्षम होते हैं, इतनी गरीबी नहीं होती है, तो फिर उन्हें नहीं मिलता है ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू ये खाना, बाकी लोगों को मिलता है। बट हाँ, अगर देश में कैलामिटी आएगी तो एपीएल को भी मिलेगा, अगर अनाज ही नहीं होगा देश में तो सबको मिलेगा, इसलिए हम कुछ खाना जो है, बफर स्टॉक जो है, कुछ हम ग्रेनरीज में बचा के रखते हैं। ठीक है जी, सो राशनिंग, द इंट्रोडक्शन ऑफ द राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक इन 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमीन। जब देश में बंगाल फेमीन आया था 1943 में, तब से हमारे देश ने सीख लिया था कि राशनिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि खाने में अगर किसी भी कारणवश देश में अगर खाने की कमी हो गई, क्यूट मतलब कि अचानक तरीके से अगर देश में खाने की कमी हो गई तो फिर हमें, हमारे देश में खाना होना चाहिए। उसी के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया फूड सिक्योरिटी के लिए, उसी के लिए हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, उसी के लिए हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाई, ये सब कुछ हमने उसी के लिए किया है कि देश में हमेशा खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय द एनएसएसओ, एनएसएसओ का क्या मतलब है, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये देश की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े सर्वेस करती है, जो ये डेटा आप पढ़ते हो कि इतने लोग गरीब है देश में, इतने लोग अमीर है देश में, इतने लोग वर्किंग क्लास है, इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये सारा का सारा डेटा कहां से आता है, इस ऑर्गेनाइजेशन से आता है, बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट करके। ठीक है, तो एनएसएसओ के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर 5वां व्यक्ति गरीब होता है, हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने अभी आपको इस चैप्टर में समझाया कि गरीबी होगी तो हंगर होगा, हंगर होगी तो फूड इनसिक्योरिटी होगी, राइट? सो इसीलिए इस सारे डेटा की वजह से हमने ये पूरा सिस्टम बनाया बच्चा। इसके साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको समझ आ गया, ये जो सिस्टम मैंने बताया ना जिससे पब्लिक को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन शॉप के थ्रू, वही है पीडीएस, वही है पीडीएस, मैं दिख रही हूं ना,
देन वी हैव इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो 1975 में बनाई थी कि देश में बच्चों में जो कुपोषण देखने को मिल रहा था, बच्चों में स्पेसिफिकली जो माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा था, हमें वो नहीं चाहिए था तो हमने ये बनाई. देन फूड फॉर वर्क हमने 1977 और 78 में लागू किया था. फूड फॉर वर्क का मतलब था कि आप काम करके दो आपको बदले में खाना मिलेगा, क्योंकि पैसे अगर मिलते थे तो लोग एल्कोहल में और ड्रग्स में इधर उधर उड़ा देते थे. इवन गरीब लोगों में भी एल्कोहलिज्म बहुत देखने को मिलता है. सो फिर हमने एक तरीके का ये प्रोग्राम चलाया था. बट ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर ऑन द लाइंस टू क्रिएट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्योंकि हमारे देश में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, बच्चा लॉ पास हुआ था 2013 में, जो लॉ ये कहता है कि हमारे देश में खाना, वो भी अच्छा खाना, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना अफोर्डेबल प्राइसेस पे गरीब लोगों के पास हमेशा होना चाहिए अवेलेबल, ताकि वो डिग्निटी से, उन्हें भीख मांगने की जरूरत ना पड़े. सरकार उन्हें प्रोवाइड कर रही है ताकि उन्हें सड़कों पर भीख मांगने की जरूरत ना पड़े. इस लॉ के अकॉर्डिंग 75% जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो हमारी शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन है, वो हमारे देश में सरकारी खाने के लिए एलिजिबल है. तो सोचो, गरीबी इतनी ज्यादा है तो देश में फूड सिक्योरिटी की कितनी जरूरत है. तो आज करंट स्टेटस क्या है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, चलो जानते हैं वो. करंट स्टेटस, जब पेपर में करंट स्टेटस पूछा जाए तभी आपको ये लिखना है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश का एक ऐसा सिस्टम है बच्चा जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है. पूरी दुनिया में हमारी बहुत वाहवाही होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अच्छा काम किया हुआ और कितने सालों से गरीबों को खाना प्रोवाइड करी है. जब पहले जब स्टार्ट हुआ था पीडीएस सिस्टम तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. अमीर लोग जाके भी राशन ला सकते थे गवर्नमेंट की राशन शॉप से सस्ते दाम में, गरीब लोग भी ला सकते थे. लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि यार देश में अमीरों को भी अगर हम सस्ते दाम में राशन दे रहे हैं जो खुद से खरीद के खा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंडिया में राशन बहुत महंगा मिलता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन स्टेट से अकॉर्डिंग देखो इंडिया में राशन बहुत सस्ता मिलता है, तो हमने फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ हमने बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए रख दिया. 1992 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीवैम्प किया गया, तो उसे RPDS भी बोलते हैं, यानी कि रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और फिर से उसे कंट्री में थोड़े बहुत चेंजेस करके रीइंट्रोड्यूस किया. तब उसमें हमने टारगेट एरियाज बनाए. रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने हमने बोला कि गरीबों को तो खाना देना ही देना है, लेकिन गरीबों में से भी जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको और अच्छे से खाना देना है. टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने रीवैम्प करके, थोड़े से चेंजेस करके, हमने 1997 में उसे टारगेटेड पीडीएस भी बना दिया, जिसमें हमने अडॉप्ट किया कि पुअर इन ऑल एरियाज, जो सारे एरियाज में गरीबी हैं, जैसे विडो कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, वुमेन कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, लोअर कास्ट कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, अपर कास्ट कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, हर कम्युनिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उन्हें भी हम टारगेट करके खाना प्रोवाइड करेंगे. तो ओवरऑल देश में जो गरीबी है, जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड है, उन्हें तो दे रहे हैं, लेकिन जून 1997 से हमने टारगेटेड पॉपुलेशन को भी अच्छे से टारगेट करना चालू किया, ताकि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज्यादा गरीबी और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कम गरीबी, ऐसी सिचुएशन ना आए. देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर. और तब से हमने एक डिफरेंशियल पॉलिसी अपनाई. पहले हमारे देश की पीडीएस सिस्टम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, लेकिन फिर हमने डिफरेंशियल पॉलिसी अपनाई. अब आप सरकारी राशन शॉप से, अगर आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड नहीं है, तो आप सस्ते दाम में अनाज नहीं खरीद सकते हो. तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है बच्चा, वो देख लेते एक बार. पीडीएस सिस्टम कब हुआ था? 1992 तक था. पीडीएस सिस्टम चालू हो गया था बच्चा जब से देश आजाद हुआ. इसमें सबको कवरेज मिलता, चाहे पुअर हो, चाहे नॉन पुअर हो, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, डजेंट मैटर, सबको इस दाम पे जो है खाना दिया जाता था. वीट 2.3 रुपीज पे, आर 2.8. 1992 तक ये चला. 1992 के बाद हमने रीवैम्प्ड पीडीएस सिस्टम चालू कर दिया, जिससे बैकवर्ड ब्लॉक्स में खाना दिया जाने लग गया, और उसमें हमने सिर्फ बैकवर्ड ब्लॉक्स को दिया इतने टाइम पे. टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल और पुअर एंड नॉन पुअर की कैटेगरीज बना दी, और उसमें से अंत्योदय और बिलो पॉवर्टी लाइन को हमने खाना प्रोवाइड किया इस रेट पे. इसमें देख रहे हो आप, अबव पॉवर्टी लाइन को हम अलग प्राइस पे दे रहे हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन को हम अलग प्राइस पे दे रहे हैं. फिर AAY अंत्योदय अन्न योजना आई 2002 में, जिसमें से हमने देश के गरीबों में से भी सबसे गरीब लोग जो होते हैं उन्हें टारगेट किया और उन्हें और सस्ते में खाना प्रोवाइड करना शुरू किया. यहाँ देखो 4 रुपए किलो में मिल रहा था, यहाँ पे जो है 2 रुपए किलो में मिल रहा है वीट, राइट. फिर APS सिस्टम आया, उससे हमने फ्री में खाना लोगों को प्रोवाइड करने दिया, जो गरीब भी हैं और जो सीनियर सिटीजन भी हैं. तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें चलाई है. फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, जिससे प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को हमने खाना देना शुरू किया. तो अभी देख रहे हो हम ये हर बार चेंजेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में और ज्यादा अच्छे से फूड सिक्योरिटी हम लाएं, ठीक है.
पीडीएस सिस्टम तो आपको समझ आ गया, पीडीएस में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा प्रोग्राम कब आया है, टारगेट पीडीएस सिस्टम पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वो याद कर लेना। अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब होता है अंत का भी अंत, तो अंत्योदय अन्न योजना का मतलब है गरीबों में भी सबसे गरीब, अन्न का मतलब ग्रेन, योजना का मतलब प्रोग्राम। ये लॉन्च की थी दिसंबर 2000 में बच्चा। इस स्कीम के अंदर देश के जो सबसे ज्यादा गरीब 1 करोड़ लोग हैं, राइट, बीपीएल के अंदर भी जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उन्हें हमने टारगेट करके, उन्हें हमने पहले तो टारगेट कैसे किया, पहले हमने उन्हें रिकॉग्नाइज किया कि बीपीएल कम्युनिटी के अंदर, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर कौन से वो 1 करोड़ लोग हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, है ना। फिर हमने उन्हें प्रोवाइड करना शुरू किया खाना, पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी हमने बोला, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी बोला, गांव गांव में, शहर शहर में जो सबसे गरीब लोग थे उन्हें टारगेट किया गया, और फिर उनका सर्वे करके उन्हें 25 किलोग्राम खाना प्रोवाइड किया गया हर फैमिली को, हर इंसान को नहीं, हर फैमिली को 25 किलोग्राम खाना प्रोवाइड किया गया, बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे, 2 रुपए किलो का वीट और 3 रुपए किलो का राइस। आप देख रहे हो ये अंत्योदय अन्न योजना का सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, तो और सस्ता कर दिया हमने, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी और सस्ता था, ठीक है जी। इस क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी को बाद में हमने इन्हांस कर दिया, हमने देखा 25 किलो राशन कम पड़ रहा था तो हमने 25 से 35 किलो कर दिया, बाद में इसमें ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज हमने ऐड की, जब शुरुआत की थी तो 1 करोड़ फैमिलीज से ऐड की थी, बाद में हमने 50 लाख फैमिलीज इसमें फिर से ज्यादा ऐड कर दी ताकि हम और ज्यादा घरों तक पहुंच सके, और अभी करेंटली इसमें 2 करोड़ से ऊपर ज्यादा फैमिलीज को कवर किया जाता है। स्टार्टेड विद जस्ट 1 करोड़ फैमिलीज, नाउ इट हैज मोर देन 2 करोड़ फैमिलीज अंडर इट, दैट आर प्रोवाइडेड विद 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स एवरी मंथ ऑन दिस प्राइस, 2 रुपए किलो वीट और 3 रुपए किलो चावल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज वी वांट इक्वालिटी इन अ कंट्री, राइट। सो 2000 के अंदर और दो स्कीम्स चालू की गई अंत्योदय अन्न योजना के साथ में, AYA यानी कि अन्नपूर्णा स्कीम, APS स्कीम भी लॉन्च की गई। अन्नपूर्णा स्कीम के अकॉर्डिंग जो सीनियर सिटीजन थे उन्हें टारगेट किया गया, याद रखना बच्चा, अंत्योदय अन्न योजना में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज 1 करोड़, और अन्नपूर्णा स्कीम में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बट इंडिगेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि गरीब सीनियर सिटीजन जो अब काम कर नहीं सकते क्योंकि रिटायर्ड हैं और गरीब हैं तो खाना उन्हें चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये पीडीएस सिस्टम को और पुश करने के लिए बनी थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो देश में हमेशा से चला आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दो ही कॉम्पोनेंट है उसमें, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ग्रेनरीज में बफर स्टॉक क्रिएट करती है और फेयर प्राइस शॉप से गरीबों को खाना देती है, उसमें हम चेंजेस करते आ रहे हैं और उसमें हम नई नई स्कीम्स बनाते हुए आ रहे हैं उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। द पीडीएस हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, एक सेकंड रुकना, कहाँ था मैं, यहाँ था मैं। The PDS has provided to be most effective instrument of government policy over the years in establishing prices and making food available. हमारे देश में ये जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सबसे ज्यादा कारगर स्कीम रही है देश की फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने में, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है हमारे देश से हंगर को मिटाने के लिए, फमीन को मिटाने के लिए, और हमारे देश में जहां खाना बहुत ज्यादा उगता है वहां से उन देश के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जहां पे खाना नहीं उगता है। कई जगहें हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां पे अनाज बहुत ज्यादा उगता है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, इतने लोग नहीं उससे ज्यादा अनाज उगता है, लेकिन कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से अनाज सही मात्रा में नहीं उगता है, तो हमने उसे कनेक्ट किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, द प्राइसेस को हमने बार बार रिवाइज किया है, हमने देखा है कि गरीब लोगों को क्या महंगा पड़ रहा है क्या सस्ता पड़ रहा है, उस तरीके से हमने और ज्यादा फैमिलीज को टारगेट किया है, और ज्यादा प्राइसेस को रिफाइन किया है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्यूरमेंट को भी हमने अच्छे से किया है ताकि फार्मर से जो अनाज आ रहा है वो सड़े ना, अगर एक पर्टिकुलर एरिया से अनाज आ रहा है गोदाम में रखने के लिए, सरकारी बफर स्टॉक में रखने के लिए, तो वो सड़े ना, उस पर हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन फिर भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। एक बात तो आपको सुनने में ही लग गई होगी कि यार हंगर हो ना जाए, इसकी वजह से अनाज को बचा के रखना देश के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सुनने में लगता है, विच इज ट्रू, अगर सही तरीके से नहीं रखा गया तो वो सारा अनाज खराब हो जाता है। तो पहला पॉइंट है बच्चा कि ग्रेनरीज ओवरफ्लो कर रही है, पुराना वाला अनाज अभी भी ग्रेनरीज में यानी अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है, सरकारी अनाज गोदाम में, और नया नया हर साल आता रहता है फार्मर से खरीद के, तो वहां पे सरप्लस यानी कि ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज आ गई हैं, अनाज रखने की हमारे पास जगह नहीं है। FCI के जो गोडाउन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है, वहां पे अनाज इतना ज्यादा आ गया है कि पुराना वाला अनाज जो है वो सड़ रहा है, उसमें चूहे लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जो नया वाला अनाज आता है वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। सो so,
अब ये देखो यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, हमारा बफर नॉर्म कहता है, मतलब हमारा डेटा कहता है कि हमारे पास इतना होना चाहिए अनाज, और हमारे पास एक्चुअल स्टॉक कितना होता है 721, 307 मिलियन टन होना चाहिए, 721 मिलियन टन है, तो डबल से भी ज्यादा है हमारे पास। तो ये क्या हुआ, ऑब्वियसली खराब होगा सब्सिडी, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी गरीब लोगों के पास नहीं होता है, इतने अनअवेयर होते हैं कि उनके पास बिलो पॉवर्टी कार्ड का राशन कार्ड नहीं होता है, तो फिर उनके लिए जो सरकारी स्कीम्स हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे हम बोलते हैं ना देश में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इक्वालिटी की खराब है, अरे कहीं गाँव कूचों में गलियों में जाके देखो, जिन लोगों ने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा उन्हें पता कैसे चलेगा कि सरकार के पास उनके लिए रिजर्वेशन है, राइट? सो इट हैज टू बी अंटिल वो पूरी कम्युनिटी जो है एक तरीके से सेम लेवल पे नहीं आ सकती एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो सब्सिडी भी हम देते हैं, सब्सिडी का मतलब होता है बच्चा डिस्काउंट, सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट। अब आपने, अच्छा ये हम क्यों समझा रहे हैं बच्चा, ये कॉन्सेप्ट सब्सिडी का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सरकार जब फार्मर से अनाज खरीदी है तो वो क्या 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो पे खरीद रही है? नहीं, सरकार जब फार्मर से अनाज खरीदती है तो वो अच्छे खासे दाम देती है, 100 रुपए किलो या 90 रुपए किलो या जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सरकार उसका कुछ हिस्सा अपनी जेब से देती है। आप ये देखते हो जो हम लोग ये जो टैक्स भरते हैं ये सरकार की जेब में जाते हैं, सरकार इसी टैक्स के पैसे को यूज करके देश में पीडीएस सिस्टम को पुश करने के लिए अनाज के आधा से ज्यादा कॉस्ट अपनी जेब से भरती है, समझे आप? मैंने खरीदा फार्मर से अनाज, मान लो 50 रुपए किलो का 1 किलो अनाज खरीदा, वो मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं 5 रुपए किलो पे, बाकी जो 45 रुपए थे वो मैंने अपनी जेब से भरे। हाँ है वो जनता जनार्दन के पैसे, उन्होंने टैक्स देके सरकार को पैसे दिए तभी तो सरकार ऐसा कर पा रही है, लेकिन सरकार उसका भार उठा रही है बिकॉज गरीब लोगों को भी खाना प्रोवाइड करना डेमोक्रेसी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकियों को, राइट? सो ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि फार्मर से सस्ते दाम में खरीदा जाता है, लेकिन फार्मर से जिस दाम पे खरीदा जाता है उसका मेजर कॉस्ट जो है सरकार बियर करती है। 2014 में जो स्टॉक था वीट का और राइस का वो 65.3 मिलियन टन था बच्चा, which was much more than the minimum buffer norms, जो अभी हम पीछे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि जितना देश में अनाज चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए उससे कई ज्यादा हो जाता है, और ये जो ज्यादा अनाज है इसमें चूहे लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और ये खराब हो जाता है। सो ये सिचुएशन अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है, जनरल तरीके से बफर स्टॉक के अकॉर्डिंग वेस्टफुल तरीके से हम ज्यादा अनाज इकट्ठा नहीं करते हैं सरकारी अनाज गोदाम में, अब जो है पहले से ही घोषित कर दिया जाता है कि इतना ही अनाज फार्मर से खरीदा जाएगा, फिर उतना ही अनाज हम खरीदते हैं ताकि जो ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज थी, ओवरफ्लोइंग आज गोदाम थे, वो वाली प्रॉब्लम ना आए। द शॉर्टेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक्स हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग हाई कॉस्ट इन एडिशन टू वेस्टेज एंड डिटोरेशन इन ग्रेन क्वालिटी। इनफैक्ट हमारे देश में क्या है, एमएसपी को क्या किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। अगर हम देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फ्रीज कर देंगे, अगले 5 साल तक जो है अनाज इसी दाम पे खरीदा जाएगा, तो हो सकता है कि कम फार्मर अपना अनाज सरकार को बेचने आए, और कम बेचने आएंगे तो फिर हमारे पास ग्रेनरीज में कम अनाज होगा और वो ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता फार्मर्स आए ना फिर अपना ग्रेन बेचने के लिए सरकार को, और फिर देश में फूड सिक्योरिटी ना रहे। तो ये सब कुछ हमें सोचना पड़ता है कि इंक्रीज फूड ग्रेन भी कैसे ना हो, ज्यादा ओवरफ्लोइंग भी कैसे ना हो और कमी भी ना पड़े, ठीक है? इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लीडिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है कि नए नए फैसिलिटीज आ रही हैं फार्मिंग की, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ रहे हैं, तो वो और ज्यादा अनाज उगा रहे हैं, और ज्यादा सरकार को बेच रहे हैं, और पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनाज की वैसे भी कमी नहीं है, तो सरकारी जो अनाज गोदाम है वो बस भरे हुए हैं, ठीक है? तो कई स्टेट्स में अनाज की फिर भी जरूरत पड़ती है फेयर प्राइस शॉप्स पे, लेकिन कई स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पे फेयर प्राइस शॉप्स पे गरीब लोग जो आते हैं वो आते ही कम है, क्योंकि उस स्टेट में ही गरीब लोग कम है, तो वहां पे अनाज ज्यादा वेस्ट होता है। द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैव रेज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ द एफसीआई और अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और सरकार का पैसा उस अनाज को सिक्योर करने में भी लगता है, उसमें दवाई डालने में भी लगता है, उसे प्रोक्योर करने में, यानी कि फार्मर तो खरीद देते हैं बस बेच देते हैं, बेच के उन्हें अनाज गोदाम तक लाने में भी पैसा लगता है, उसे स्टोर करने में भी पैसा लगता है ना, स्टोर करने के लिए जो वहां पे लोगों को हायर करना पड़ता है उसमें भी पैसा लगता है, तो सरकार का पैसा तो अच्छा खासा जा रहा है। तो जो प्रॉस्पेरस रीजन है जहां पे खेती ज्यादा होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहां पे तो फिर भी हम वीट और राइस मेनली सिर्फ 2 क्रॉप्स जो हैं उनको हम प्रोक्योर करते हैं। एक सेकंड को,
इंक्रीज इन एमएसपी हैज इंड्यूस फार्मर्स पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन. अब लोगों को क्या है कि ये चस्का चढ़ गया है कि यार सरकार तो इतना ज्यादा देखते भी नहीं है. मार्केट में जब आप अपना क्रॉप बेचने जाते हो तो खरीदने वाला इंसान देखता है कि अरे नहीं यार तुम्हारे तो चावल अच्छे नहीं है, दाल अच्छी नहीं है, मैं तो इतना ही प्राइस दूंगा, नहीं इससे ज्यादा तो 1 रुपया नहीं दूंगा. लेकिन सरकार थोड़ा कम मीन मेक निकालती है, थोड़ी कम गलतियां निकालती है तुम्हारे क्रॉप्स में, और जिस दाम पे उसने बोला होता है उस दाम पे चुपचाप तुम्हें खरीद के भोली भाली तरीके से चली जाती है, राइट. तो अब फार्मर्स भी क्या करते हैं कि वही सारा अनाज उगाते हैं. आप देखते हो कि देश में ज्यादातर वीट और राइस ही क्यों उगता है, बाकी चीजें फार्मर्स उगाना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें उस चीज का लालच आ गया है कि यार सरकार को बेचेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा. द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, और इन सारी क्रॉप्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है. चावल में तो बहुत पानी देना पड़ता है, वीट में भी बहुत पानी देना पड़ता है, और एक ही तरीके की क्रॉप उगाओगे जिसमें ज्यादा पानी चाहिए तो ग्राउंड वाटर टेबल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मिट्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, देश में ग्रेनरीज भी ओवरफ्लो हो जाएंगी. और फायदा किसका होगा, सिर्फ उन फार्मर्स का होगा जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं जिस पे वो इतना सारा अनाज उगा सकते हैं. तो इससे क्या होता है, इतने इंटेंस तरीके से जब आप पानी को कंज्यूम करते हो चावल उगाने के लिए तो एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता है, एग्रीकल्चर भी डिग्रेड होता है, मिट्टी भी डिग्रेड होती है. एनएसएसओ की रिपोर्ट अगर माने तो 558 जो रिपोर्ट आई थी उनकी, उसके अकॉर्डिंग द पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन ऑफ राइस, हर इंसान हर महीने हमारे देश में ऑन एन एवरेज बेसिस 6.5 किलो चावल कंज्यूम करता है, और बाद में वो बदल के 2011 और 12 में बदल के वो 6 किलो हो गया था. तो एक इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज 6 किलो कंज्यूम कर रहा है गांव में, और अगर अर्बन इंडिया की माने तो एक इंसान ऑन एन एवरेज हर महीने में 4.49 यानी कि 4.5 4.5 किलो चावल कंज्यूम कर रहा है. 6 किलो गांव में, क्योंकि गांव में ज्यादा मेहनत करते हो आप, आपको ज्यादा खाना चाहिए होता है, शहर में 4.5 किलो. पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज डबल्ड इन रूरल एरिया एंड इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन एरिया सिंस 2004 and 5. द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस वीट हैज डबल्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया. लेकिन फिर भी ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ये बढ़ता जा रहा है, मतलब कि अगर एनएसएसओ की रिपोर्ट माने तो एक इंसान को इतना अनाज खाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि उस अनाज से ज्यादा लोग अपने घर में लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सरकार दे रही है तो यार घर में लेके चल ही लो, चाहे आपको उतने की जरूरत है चाहे नहीं है. तो पीडीएस डीलर क्या करते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब करप्शन हमारे देश में हर जगह है, करप्शन फेयर प्राइस शॉप्स में भी है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हो, आपने सरकारी राशन शॉप खरीदी हुए, लेकिन वहां पे आप क्या करते हो, गरीब लोगों के लिए जो अनाज आता है सरकार की तरफ से उसे आप अमीर लोगों को बेच देते हो कम दाम में और अपना प्रॉफिट बना लेते हो, है ना. अमीर लोग 2 रुपए में नहीं खरीदेंगे तो यार 12 रुपए में खरीद लेंगे, 10 रुपए तो आपकी जेब में गए, गरीब लोगों को तो 2 रुपए भी खरीदना पड़ेगा, उनके पास और पैसे नहीं है, तो जहां उन्हें अच्छा मार्जिन मिलता है वो उन लोगों को बेच देते हैं. फिर गरीब लोग जब राशन शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं हो गया अनाज खत्म, जाओ जाओ, या फिर वो कुछ दिन होते हैं वो अनाज अनाज की दुकानें खुलती हैं, कुछ दिन होती हैं जो अनाज की दुकानें नहीं खुलती. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम है ऐसा नहीं है कि दूध का धुला है, डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज की प्रॉब्लम है, वीट और राइस की प्रॉब्लम है, यू नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रॉब्लम है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राशन शॉप्स की प्रॉब्लम है, एंड कभी कभी क्या होता है कि सरकारी राशन की दुकानें खुलती ही नहीं है टाइम पे, तो सारा का सारा अनाज जो होता है सरकारी शॉप से पड़ा पड़ा सड़ जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन ये सारी प्रॉब्लम के बाद भी पीडीएस सिस्टम हमारे देश में जरूरी है क्योंकि वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी इंडियन शुड स्लीप विद फूड इन देयर स्टमक, खाना खा के ही सोए सब, ठीक है. When राशन shops are unable to sell a massive stock of the food grains piles up with the FCI, जब राशन शॉप खाना नहीं बेच पाते जो उन्हें दिया गया था गरीब जनता के लिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो फिर वो सारा का सारा अनाज जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनाज गोदाम में वापस आ जाता है और वहां पे वो बैठ के सड़ता रहता है. तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पीडीएस सिस्टम बहुत इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आप खाना वेस्ट बहुत कर रहे हो. पहले क्या होता था कि हर फैमिली जो होती थी चाहे वो गरीब हो चाहे नॉन प्योर हो, उसके पास राशन कार्ड होता था तो उसे राइस वीट शुगर मिल जाता था. जब से अब हमने ये लिमिट किया है कि सिर्फ बीपीएल वालों को ही मिलेगा राशन, तब से क्या हो गया है कि अनाज और सड़ने लग गया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अनाज गोदाम में, ठीक है. तो बिलो पॉवर्टी राशन कार्ड जो होता है वो उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो अपनी पर्टिकुलर स्टेट की गरीबी रेखा से नीचे होते हैं. हर स्टेट की गरीबी रेखा की डेफिनेशन अलग निकाली जाती है. एपीएल कार्ड उन्हें दिया जाता है जो स्टेट की पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं. इन टोटल हमारे इंडिया में 5 तरीके के राशन कार्ड है बच्चा, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, ठीक है. तो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को हम अनाज देते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन को नहीं देते हैं, बिलो को देते हैं, अन्नपूर्णा को देते हैं, अंत्योदय को देते हैं, ठीक है, सस्ते दाम में. तो 3 तरीके के कार्ड हमें देखने को मिलते हैं. 3 तरीके के कार्ड मैंने बोला ना आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके के कार्ड दिए हैं, लेकिन तरीके कार्ड और भी हैं.
टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था उसमें तीन तरीके की डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। अबव पावर्टी लाइन को महंगे में खाना मिलता है, बिलो पावर्टी लाइन को सस्ते में मिलता है, और अंत्योदय वाले को और सस्ते में मिलता है। और यहाँ पे आप जो ये प्रायोरिटी हाउसहोल्ड राशन कार्ड दिख रहे हो, ये न्यूली एड हुआ है इंडिया में, इसलिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे हो सकता है कि एनसीईआरटी इसे अपनी बुक्स में ऐड कर दे, इस साल तो नहीं आएगा पेपर में। अब चलिए जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या हाथ है। बच्चा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहां पे लोग कोऑपरेशन के साथ कुछ काम करते हैं। कोऑपरेशन का मतलब साथ में मिलके काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें प्रॉफिट भी सब में डिवाइड होता है और फिर लॉस भी सब में डिवाइड होता है, ठीक है। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस फूड टू पुअर पीपल। सो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पीडीएस सिस्टम तो हमारे पूरे देश के लिए है, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो रेगुलर तरीके का पीडीएस सिस्टम चलता है जो हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें बफर स्टॉक है, अनाज गोदाम है, सब सरकारी तरीके से चल रहा है। लेकिन कई स्टेट्स हैं जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि जो सिटीजन होते हैं वो अपनी खुद की सोसाइटीज बना के गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करते हैं थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि तमिलनाडु में जो सारी फेयर प्राइस शॉप्स है यानी कि जो ये गवर्नमेंट की राशन शॉप्स हैं सारी तमिलनाडु में, उसमें से 94% राशन शॉप कोऑपरेटिव सोसाइटीज चला रही हैं। क्योंकि अगर एक इंसान चलाएगा वो दुकान तो वो घपला भी कर सकता है, वो अनाज किसी और को भी बेच सकता है, वो अनाज की होर्डिंग भी कर सकता है, अपने घर में भर के रख सकता है, बाद में बेच सकता है, सड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो अगर कोऑपरेटिव चलाएगी तो हम इंश्योर कर ही पाएंगे, जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो हम पक्का ही इंश्योर कर लेंगे कि गरीबों तक खाना पहुंचे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मदर डेयरी का जो मिल्क, मदर डेयरी की दही, मदर डेयरी की आइस आप लोग खाते होंगे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के सारे एरिया में, वो मदर डेयरी जो है वो एक तरीके का गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की बनाई हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चा, जिसमें फ्रोजन वेजिटेबल मिलती है, मिल्क मिलता है, अफोर्डेबल रेट में मिलता है। आप देखोगे मदर डेयरी का जो मिल्क होता है वो कई जगह के डेयरी से भी बहुत सस्ता होता है, तो एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे। क्यों? क्योंकि मदर डेयरी इज ऑल्सो कोऑपरेटिव। अमूल जो है गुजरात में बहुत साल पहले बना था, जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ हमने व्हाइट रेवोल्यूशन किया था दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, देश में फूड में दूध बहुत जरूरी है बच्चों में न्यूट्रिशन के लिए, तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने व्हाइट रेवोल्यूशन किया था, तो अमूल उसकी वजह से बना था। अमूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गुजरात में बड़े सारे जो गाय बैल बकरियों पालने वाले जो एनिमल हस्बेंड्री वाली कम्युनिटी थी, उन्होंने साथ मिलकर अमूल की स्थापना की थी, और आप देख रहे हो अमूल की आइसक्रीम आज कितनी वर्ल्ड फेमस है, राइट। सिमिलरली महाराष्ट्र में अगर आप देखते हो तो महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ADS एक तरीके की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी एनजीओ आती हैं बच्चा। ये सारी एनजीओ जो होती हैं अपने यहाँ पे ग्रेन बैंक्स यानी कि अनाज के लिए, जैसे बैंक होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हो, वैसे अनाज को जमा करने के लिए इन सारी एनजीओ में ग्रेन बैंक्स होते हैं, जहां पे भी जिसको भी राशन उसमें दान करना होता है इन एनजीओ में जाके बोलते हैं ना, बर्थडे पे जाके थोड़ा एनजीओ में दान कराओ या एनिवर्सरी है तो कुछ अच्छा कराओ, तो ये लोग आके दान करके जाते हैं। और ADS जो है अपने लोगों को ट्रेनिंग करके और कैपेसिटी बिल्ड करके इन एनजीओ से सारा का सारा खाना लेती है, और फिर महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहां पे जरूरत होती है गरीब लोगों को उस खाने की, वहां पे प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार कर रही है, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, ADS हो गया, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइज कंप्लीटली सरकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन फूड सिक्योरिटी में हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि सिटीजंस आर एज एसेंशियल एज द गवर्नमेंट इन ज्वाइनिंग हैंड्स टू मेक श्योर कि इंडिया भूखा पेट ना सोए। और भी बहुत जगह देखते हो आजकल ग्रेन बैंक्स खुलने लग गए हैं, आप बाहर के देशों में देखते हो वहां पे तो अब फूड फूड बैंक्स खुलने लग गए हैं, ऐसे ऐसे रेफ्रिजरेटर होते हैं बाहर यूरोप में देखते हैं हम लोग, जहां पे लोग अपने घर से बना बनाया खाना या कुछ भी होता है उस रेफ्रिजरेटर में रख के चले जाते हैं, रोड पे होते हैं, खुले घूम रहे होते हैं, जो भी गरीब इंसान चल रहा है अगर उसे खाना नहीं मिला है 2 दिन से तो वो आके उसमें यू नो अपने हाथ से निकाल के खाना लेके खा सकते हैं, और बहुत सस्ते दाम पे मिलता है, 1 रुपए में 2 रुपए में उसमें खाना मिल जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स कौन कर रहे हैं? सिटीजंस कर रहे हैं। तो ADS ऐसा एफर्ट, ADS जो महाराष्ट्र का एफर्ट है ग्रेन बैंक्स को सेटअप करने का, एनजीओस को रेगुलेट करने का, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने का कि यार फूड सिक्योरिटी अभी भी महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा काम करो, थोड़ा सा अच्छा और काम करो, ग्रेन बैंक्स और बढ़ाओ, हमें थोड़ी सी और अच्छी फंडिंग दो क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमें यही दर्शाता है, ठीक है। सो ADS याद कर लेना। हम जल्दी से एक ब्रीफ रिकैप करते हैं, क्या क्या याद करना है आपको फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन, उसके 3 पिलर्स, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, तो उसमें आपको एग्जांपल देने चाहिए बंगाल फमीन का और COVID-19 का। फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज कौन सी होती हैं, हंगर के 2 टाइप्स कौन से होते हैं, देन यू हैव टू लर्न अबाउट कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी में क्या क्या हुआ है, हमारा PDS सिस्टम कैसे काम करता है, बफर स्टॉक क्या होता है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कब इशू किया जाता है, और कम्युनिटी से हमने फूड सिक्योरिटी में क्या क्या काम किया है। कम्युनिटी वाला वर्ड अगर क्वेश्चन में आए तो आपको ये मदर डेयरी, अमूल, ADS ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1,
टू FCI, सीजनल हंगर कहाँ पाया जाता है, तीन, चार, बफर स्टॉक का मेन पर्पस क्या है, पांच, बंगाल का फेमीन कब आया था, छह, फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है, और ये छो के छो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और ये फ्री PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत प्यार से मन से मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, एंड अच्छा लगेगा कि आप और बच्चों को यहाँ पे हमारे साथ जोड़ेंगे, तो बाय बाय एंड